सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। वाकई में जिस धीमी गति के साथ में गदर 2 रिलीज की गई है, उससे पहले तो लोगों के बीच में फिल्म को लेकर उत्साह, एक्साइटमेंट वो बहुत ज्यादा कम सा हो गया था। लेकिन फिर अचानक से जो एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड फिल्म ने दिखाया है वो आश्चर्यजनक था। क्योंकि जैसे हम अपने पिछले एपिसोड में बता ही चुके हैं कि गदर 2 मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स उसके मेकर्स ने हमारे सामने कुछ ज्यादा ही परोस दिए थे, लेकिन सारी हदों को तोड़कर जिस लेवल की मास मसाला एंटरटेनिंग मूवी जो कि फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया से भरी हुई है डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बनाई है, वो आपको देखने में सच में बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मेरी तरफ से तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को मिस करना आप लोगों की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आजकल जमाने में कितनी ही अच्छी खूबसूरत स्टोरी पे बनी हुई मूवी बनती है जो कि फैमिली के साथ देखी जा सके। तो अपने इन खूबसूरत 3 घंटों को अपनी गिरफ्त में आज कैद कर ही लीजिए, क्योंकि गदर की जो पूरी ड्यूरेशन है वो लगभग 2 घंटा 50 मिनट की लंबी अवधि की है। इसका पहला शो 11 तारीख को सुबह 5:30 बजे ही रिलीज कर दिया गया था, और उस समय तक भी थिएटर में हाउसफुल शो नजर आ रहे थे। तो आप सभी लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का जोश ऑडियंस का रहा होगा कि सुबह 5:30 बजे भी सारे शो हाउसफुल हैं। और होते भी क्यों ना भाई, 90 के दशक के सारे बच्चे अपने पुराने दिनों को जीने के लिए फिर से काफी ज्यादा बेचैन थे, जो इस मूवी ने उनके लिए करके दिखा दिया। थैंक यू फॉर ऑल टीम ऑफ गदर 2। फिल्म की अवधि भले ही 2 घंटा 50 मिनट की हो, लेकिन फिल्म के फर्स्ट हाफ से अगर आप शुरुआत के 30-40 मिनट निकाल दो तो बाकी पूरे पीरियड की फिल्म आपको इमोशन से ऐसे लबालब भर देगी जैसे आप अपने बचपन में कभी फील किए होंगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ 1 घंटा 30 मिनट के करीब का है, जिसमें से शुरू में ज्यादा टाइम जो है वो सनी देओल और अमीषा पटेल के बाद के जीवन के हंसते खेलते परिवार को दिखाने में लिया गया है, और थोड़ा सा फिल्म की कहानी को बेस बनाने में दिया गया है, जहां ज्यादातर टाइम आपको हल्की फुल्की मस्ती के साथ उत्कर्ष शर्मा को दिखाया जाता है, जिसका बॉन्ड अपने परिवार के साथ कैसा है, और इस पर साथ में ही उनकी जो है लव स्टोरी को भी इस शुरुआत के ही पीरियड में दिखाया गया है, जो कि सच में बहुत ज्यादा, मेरी माने तो भाई, बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूमियत से भरी हुई थी। कभी कभी जो है एक्टिंग, एक्टर की जो एक्टिंग होती है उससे ज्यादा आपको उसकी मासूमियत अट्रैक्ट करती है, और वही हमें यहाँ फील भी होता है। बस चुनिंदा 30 से लेकर 32 मिनट के लिए फर्स्ट हाफ में सनी देओल पाजी का रोल दिखाया गया है, कि जब जब सनी पाजी स्क्रीन पर सामने आते हैं तब तक हमारी नजरें जो है स्क्रीन को घेरे रखती हैं, क्योंकि उनके मुंह से निकले डायलॉग ही शुरुआत में हमको मूवी में बना कर रखने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि हम सबका माइंडसेट एकदम सेट था इस फिल्म का, यानी गदर फिल्म का मतलब है सनी पाजी का होना, सनी पाजी मतलब गदर फिल्म, और इसी वजह से किसी और करेक्टर को हम ज्यादा चाहकर भाव दे भी नहीं पा रहे थे, इसलिए और करेक्टर्स को जो एक्टर्स थे बाकी उनको बस हम साइड करेक्टर्स की बात ही जांच रहे थे, जो बस फिल्म की कहानी की कड़ी को जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन फिर फिल्म की असली ताकत अपना रंग दिखाती है 1 घंटा 30 मिनट के बाद, जब जीते उत्कर्ष शर्मा को किसी तरीके से पाकिस्तान में कैद कर लिया जाता है, और वहां गजवाए हिंद का सरदार, या कह सकते हो गजवाए हिंद संगठन का मेन लीडर, उस पर अत्याचार करता है, जिसका रोल निभाया है एनडीटीवी चैनल के फेमस सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य के प्रकांड पंडित चाणक्य जी ने, और वो मनीष माधवा जी ने, हम तो इनको चाणक्य से ही जानते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा कन्विंसिंग थी, बस थोड़ा लाउड करेक्टर है जिसके मन में भारत के लिए बस अथाह नफरत भरी पड़ी है, जो कि काफी एनलार्जन और एक्सग्रेटेड व्यू से भारतीयों का सफाया करना चाहता है। लेकिन गदर में ऐसे ऐसे कैरेक्टरों को डिजाइन करना बेहद जरूरी था, क्योंकि जिस फिल्म का हीरो इतना जोरदार हो उसके सामने विलेन का जोरदार होना तो बनता ही है। फिर जैसे पाकिस्तान में एंट्री होती है सनी पाजी की, तो उसके बाद क्या हुआ होगा पाकिस्तान में, इस बात का अंदाजा तो आप सभी लोग अपने मन में लगा ही चुके होंगे, बाप लेवल का एक्शन। और आज भी इतने वर्ष के बाद आपको यह कतई नहीं लगेगा कि सनी देओल पर अब यह मारदार चीखना चिल्लाना सूट नहीं करता, कतई ना, बिल्कुल नहीं। उनकी इमेज आज भी उसी लेवल पर बरकरार बखूबी बनी हुई है जो 2001 के टाइम पर रही थी। जिस दमदार पर्सनैलिटी के वह करेक्टर हैं वह इस फिल्म में साफ दिखा भी है। फिल्म के एक्शन सीन काफी हद तक रियल थे और वह आपको इम्प्रेस करने में सफल भी हो सके हैं। फिल्म को गदर 1 से जोड़कर रखने के लिए आपको बीच बीच में गदर 1 के क्लिप्स एज अ ग्लिम्प्स के तौर पर दिखाए गए हैं, जो कि कहानी के अनुरूप ही रखे गए हैं, जबरदस्ती किसी को नहीं घुसाया गया है। बाकी फिल्म भी म्यूजिकली सेम वैसी ही वाइब्स दे भी पा रही है, क्योंकि गिने चुने 2-3 गाने तो उसके सेम टू सेम पुराने वाले ही हैं, पर उनको थोड़ा सा अपडेट करके दिखा दिया गया है, और बाकी इसके अलावा भी जो फिल्म में गाने हैं वो भी कहानी के साथ एकदम अपना सही मेलजोल बना के रखते हैं, जिससे हम गानों से भी कनेक्ट हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर यह फिल्म एक मसाला मस्त फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, जिसे आप अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ आसानी से देख सकते हैं। तो जाइए, जाके एंजॉय कीजिए, गदर 2 को देख ही लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आप सबसे न्यू एपिसोड में किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ या फिर किसी ऐसी बॉलीवुड अपडेट के साथ। नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।